सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु नेत्र चिकित्सालय रुद्रपुर की ओर से महुआ खेड़ागंज के अंबेडकर पार्क में निशुल्क चिकित्सा एवं बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बहुउद्देशीय शिविर में एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल दी गई और प्रभु नेत्र चिकित्सालय की ओर से आंखों की जांच की गई, जिसमें लगभग 365 लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए। इनमें से 60 लोग मोतियाबिंद के रोगी पाए गए तथा कुछ लोगों को चश्मों के लिए फॉर्म भरवाए गए। वहीं इस शिविर में अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने जनता की शिकायतें सुनी और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष ने जनता को सरकार की योजनाएं बताई व उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के काम कर रही है और जनता की समस्याओं का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है। समाज कल्याण का कैंप लगाया था, अल्पसंख्यक कल्याण निधि के तहत जो हमारी योजनाएं हैं उनका कैंप लगाया था, श्रम विभाग का था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो योजनाएं हैं उनका कैंप लगाया था। ये शुरुआत थी, बहुत सारे अधिकारी इसमें पहुँचे भी नहीं हैं। जो अधिकारी नहीं पहुँचे हैं उनको हम नोटिस जारी कर रहे हैं और उनको हम 16 तारीख को देहरादून बुलाएंगे। बहुत सारे अधिकारियों को योजना की जानकारी नहीं है। गांव में कम से कम प्रचार प्रसार होना चाहिए। जैसे हमारा तहसील दिवस होता है हर मंगलवार को, उस तहसील दिवस में संबंधित विभाग के अधिकारी बैठते हैं तो श्रम विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये बताना, ये भी नहीं पता उनको कितने हमारे लाभार्थी हैं और हमारी कितनी योजनाएं चल रही हैं, कौन सी योजना में लाभार्थी हमें मिल सकता है उस गाँव के अंदर। जब अगर इस चीज़ की जानकारी अधिकारी को नहीं है तो योजना कैसे अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को मिल सकती है। तो हमारा लक्ष्य यह है कि सबसे पहले उन अधिकारियों की कार्यशाला लगे और उन अधिकारियों का तालमेल होना चाहिए समाज कल्याण और शिक्षक कल्याण अधिकारी के साथ, जो आप हमने निर्देशित किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।